Hello students. Hi, I'm Bhagyashri Chavan, your music teacher. Welcome to today's music class. So first of all, let's start today's music class with prayer. As usual, Guru Ra Brahma, Guru Ra Vishnu and Vakratunda Mahakaya. First, sit straight, close your eyes, join your hands and get ready for prayer. Vakratunda Mahakaya, ready? Join your voice in this note like very good. Now start the prayer. Vakratunda Mahakaya, ready? Vakratunda Mahakaya सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। Slowly open your eyes, do palming, very good. लास्ट पीरियड से आप सीख रहे हो राग दुर्गा। लास्ट पीरियड में हमने सीखा था राग दुर्गा का बंदिश। बंदिश ताल त्रिताल में कैसे गाते हैं ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट पीरियड में। लेकिन इस पीरियड में भी हम थोड़ा सा रिवीजन बंदिश का करेंगे और उसके बाद मैं आपको ताल एक ताल, जैसे ताल त्रिताल आपने सीखा है वैसे ही नेक्स्ट ताल है ताल एक ताल। एक ताल आज हम सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बंदिश जो मैंने सिखाया था उसका हम रिवीजन करेंगे। ये जो क्लासिकल राग वगैरह होता है ये बार बार गाने से ही आपको इसका जो कंसेप्ट है वो प्रॉपरली आपके ध्यान में आता है। इसलिए जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो जो प्रीवियस जो हमने सीखा हुआ होता है उसका एक बार फिर से हम रिवीजन करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो मैंने पहले सिखाया था वो आपको प्रॉपरली याद आएगा। देखो राग दुर्गा सेम एज इट इज, राग दुर्गा जो भूप राग मैंने सिखाया था वैसे ही है। कितने इसमें सुर है? 5 सुर, जैसे कि राग भूप में भी होता है। सिर्फ फर्क राग भूप और राग दुर्गा में इतना ही है कि राग भूप में मध्यम और निषाद नहीं है, सिर्फ मध्यम और निषाद। राग दुर्गा में सिर्फ एक सुर का फर्क है, वो है गंधार। राग दुर्गा में गंधार नहीं है, गंधार और निषाद ये दो सुर राग दुर्गा में नहीं है। और राग भूप में मध्यम और निषाद, जैसे कि राग दुर्गा देखो भू गंधार नहीं है। देखो सारे मा ग नहीं है, राग भूप सारे ग म नहीं है, सारे ग प इस तरह से। अब हम सबसे पहले राग दुर्गा का आरोह अवरोह एक बार रिवीजन करेंगे। रेडी? आरोह 5 नोट्स है, सारे म प ध सा, सा ध प म रे सा। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सारे जैसे आप ज्यादा कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो ही इसमें जो सुर होते हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। तो कंटिन्यूसली और एक बार प्रैक्टिस करेंगे। सारे आकार में
अब जो चीज जो बंदिश मैंने आपको सिखाई है कौन सी है बंदिश? मनमोहन मुरली बाला है। रेडी मेरे साथ 1 2 3 स्टार्ट। मनमोहन मुरली बाला है, मनमोहन मुरली बाला है, मुरली बाला सखी है मुरली बाला सखी है काला मन मोहन मुरली बाला है मन नी सदीन जाको ध्यान धरत है नी सदीन जाको ध्यान धरत है जइए उन हम देखत है जीत जइए उन हम देखत है शीश मुकुट गले मन माला शीश मुकुट गले मन माला मन मोहन मुरली बाला मन मोहन मन मोहन मन मोहन मुरली बाला। वेरी गुड। राग बंदिश हमने प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट हुआ है। इसी तरह से आप राग बंदिश जो होता है वो इसी तरह से प्रेजेंट करने चाहिए। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं ताल एक ताल। इस एपिसोड में ताल एक ताल के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। जैसे हम ताल त्रिताल हमने सीखा है सेम वैसे ही ताल एक ताल है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो मात्राज होते हैं वो मात्राज कम ज्यादा होते हैं। इसी तरह से अलग अलग ताल बनते हैं। जैसे कि ताल त्रिताल 16 मात्राज का ताल त्रिताल 16 बिट्स का था, सेम वैसे ही एक ताल जो है ये 12 मात्रा। कितने मात्रा होते हैं इसमें? 12 मात्राज। तो सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। एक ताल इज अ ताल इन इंडियन म्यूजिक, इट इज कॉमनली यूज इन क्लासिकल म्यूजिक लाइक ख्याल। ये जो ताल एक ताल होता है मोस्टली जो क्लासिकल सिंगिंग होते हैं, जैसे कि हम राग देखते हैं, ये जो राग प्रेजेंटेशन होता है इसमें ज्यादा से एक ताल का यूज होता है, मोस्टली एक ताल ताल का ही यूज होता है। जैसे जैसे आप क्लासिकल म्यूजिक सीखते जाएंगे ख्याल ये कंसेप्ट भी आपको बाद में सिखाया जाएगा। एंड सेमी क्लासिकल फॉर्म्स लाइक रविंद्र संगीत एक पार्ट है, ये भी आपको बाद में सिखाया जाएगा। सेमी क्लासिकल जो फिल्मी सॉन्ग्स होते हैं वो भी ताल एक ताल में मोस्टली गाए जाते हैं। इन एक ताल द 12 मात्राज आर डिवाइडेड इंटू 6 विभाग। जैसे हमने ताल त्रिताल में विभाग देखे थे, कितने विभाग होते हैं ताल त्रिताल में? 4 विभाग होते हैं। वैसे ही ताल एक ताल में 6 विभाग है। और मात्रा कितने हैं ताल एक ताल के? 12 मात्रा है। ताल त्रिताल के 16 मात्रा थे, ताल एक ताल के 12 मात्राज है। ये जो 12 मात्रा होते हैं उनका डिवाइडेशन 6 विभाग में किया, विभाग में मतलब सेक्शन, 6 सेक्शन में किया है। 2 मात्राज इच, मतलब ये जो 12 मात्रा 6 के डबल कितने होते हैं? 12, मतलब के एक विभाग में कितना मात्राज आए?
दो मात्रास, दो दो मात्रास के कितने विभाग होते हैं? 6 विभाग होते हैं। एकताल इज प्लेड इन द्रुत गति, मोस्टली द्रुत गति में ये बजाया जाता है। बीस ताला इज मोस्टली प्लेड बाय द यूज ऑफ तबला, ये जो ताल होते हैं ये मोस्टली तबला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर ही बजाया जाता है। और नेक्स्ट इसकी थोड़ा इंफॉर्मेशन लेंगे। एकताल इज वन ऑफ द पॉपुलर ताला, ये जो एकताल है ये क्लासिकल म्यूजिक में बहुत फेमस ताल है, सबसे फेमस ताल है। ताला दैट इज प्लेड ऑन द तबला, तबला पर इसको बजाया जाता है। एन एक्सलेंट चॉइस फॉर द सोलो कॉम्पिटिशन, इट इज ऑल्सो वाइडली यूज फॉर अकम्पनिंग ख्याल जनर म्यूजिक। Moreover, the artist has the freedom to play this ताल in a range of layers. अलग अलग लया में भी जो आर्टिस्ट होता है जब सोलो होता है तभी ये ताल बहुत अच्छे से बजाया जाता है। इसमें वैरायटी बहुत अलग अलग तरीके से जो आर्टिस्ट होता है वो कर सकता है। From अति विलंबित to अति द्रुत, अति विलंबित मतलब बहुत स्लो, विलंबित विलंबित मतलब स्लो। गिविंग रेज टू अ नंबर ऑफ कॉम्पोजिशंस एंड स्टाइल्स ऑफ प्लेइंग, इट हैज टू टू टू, हाउ मेनी विभाग इज देयर? 6 विभाग इज इट, टू 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 विभाग स्ट्रक्चर्स, कितने इसमें विभाग स्ट्रक्चर्स होते हैं? 6। अब देखो इसके जो कैरेक्टर्स है मेजर वो देखेंगे, मात्रास ताल, एक ताल के मात्रास 12, 12 विभाग 6। अब इसमें ताली जो होता है, क्लैप जो होता है वो किस किस पर होता है? फर्स्ट पर जो क्लैप होता है उसे क्या कहते हैं? सम कहते हैं। फर्स्ट पे जो भी होता है क्लैप करते हैं उसको सम कहते हैं। मोस्टली हर ताल में जो फर्स्ट बीट होता है उस पर ही सम होता है। और क्लैप किस पर है? फिफ्थ मात्रास पे क्लैप है। और नाइन्थ भी, नाइन्थ और ट्वेल्थ, इलेवेंथ, फर्स्ट, फाइव, नाइन एंड इलेवन, ये चार मात्रास पे क्या आता है? क्लैप आता है, मतलब ताली आती है। अब खाली का मतलब मैंने समझाया है कि एम्प्टी जो पार्ट होता है। अब ये जो ताल, एक ताल है, इसमें कितने खाली आते हैं? 2 खाली आते हैं। ताल एक ताल, ताल त्रिताल में कितने आते थे? सिर्फ एक, एक सम और एक खाली आती थी। लेकिन ताल एक ताल में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। कौन से बीट पे है? 3rd एंड 7th बीट पे है। अब देखो ताल एक ताल जो बोल होते हैं, धिन धिन ये जो होते हैं इनको बोल बोलते हैं। अब देखो इसके विभाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने विभाग है? ये जो बीच में ये जो लाइन दिख रही है ये विभाग दर्शाया, इससे विभाग दर्शाया जाता है। कितने? 1 विभाग। अब एक विभाग में कितने बीट्स आ रहे हैं? 1, 2, सेकेंड 1, 2। हर एक विभाग में कितने बिट्स है, कितने मात्रास? बिट्स को ही क्या कहते हैं? मात्रास कहते हैं। मतलब के 1, 2, 1, 2 कितने हो रहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसके बोल देखो, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कर ता धागे तिरकिट धी ना। फिर से एक बार देखो, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना। ये तबला, तबले पे जो साउंड आता है उससे ये बोल बनाए गए हैं। जैसे हम सुनते हैं, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना। अब इसको कैसे दर्शाया जाता है, ये ताल को हाथ पे कैसे दर्शाया जाता है, ये अब मैं आपको दिखाऊंगी। इधर देखो,
दिन दिन मतलब ये जो दिन आता है यहाँ पे फर्स्ट क्लैप आता है। क्लैप कहाँ कहाँ पे आता है हमने इसे पहले देखा है। क्लैप देखो फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन्थ एंड इलेवेंथ। फर्स्ट फिफ्थ फिफ्थ कहाँ आएगा अब ये काल है थर्ड यहां पर आएगा ये फिफ्थ मात्रा है। अगर यहाँ पे हम लाइंस देंगे या नंबर्स देंगे तो आपको समझ में आएगा। वन टू थ्री फोर अब फाइव कहाँ पे आ गया सिक्स सेवन एंड एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। देखो दिन दिन क्लैप का ये जो फर्स्ट होता है फर्स्ट बीट पर ही क्या होता है क्लैप होता है ये जो फर्स्ट बीट पर और इसी को क्या कहते हैं सम कहते हैं। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना तत्ता धागे तिरकिट दी ना। अब इसको हम कैसे हाथ पे दिखाएंगे देखो दिन दिन धागे अब ये क्या है ये खाली है धागे तिरकिट तू यहाँ पे क्लैप आएगा फिफ्थ पे तू ना अब यहाँ पे फिर से काली आ रही सेवन पे तत्ता धागे तिरकिट यहाँ पे फिर से क्लैप है धी ना फिर से एक बार देखो धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना फिर से एक बार धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना और एक बार कर सकते हो मेरे साथ रेडी धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट दी ना। आप ये जितनी बार करोगे तभी आपको ये प्रॉपरली आप हाथ पे दिखा सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूसली हम प्रैक्टिस करेंगे जब तक ये बोल आपको प्रॉपरली नहीं आ जाते या ये जो बिट्स है या हाथ पे आपको प्रॉपरली दिखाया नहीं जा सकता तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो फिर से एक बार दिन दिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। ध्यान में रखना है हर बार जब भी आप ताल देते हो फर्स्ट इसीलिए मैं बार बार वही बता रही हूं कि सम और ताली कहाँ कहाँ पे है ये प्रॉपरली आपके दिमाग में बैठना चाहिए। इसलिए आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर से एक बार इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। क्लैप जो होता है वो फर्स्ट धेन धेन अब ये जो आता है ये खाली धागे तिरकिट तू ना फिर से एक बार खाली कत्ता धागे तिरकिट धी ना। जब ये आज ये आपके सामने है इसलिए आप प्रॉपरली कर सकते हो। जब ये मैं बंद कर दूंगी तभी भी आपको इसको प्रॉपरली करना है इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। फिर से एक बार देखो धीन धीन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। फिर से धीन धीन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। फिर से एक बार इसकी इंफॉर्मेशन क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। जब भी आप कोई कंसेप्ट आप जब सीखते हो तब उसका जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली होनी चाहिए। जब आपको समझ में आता है कि हाँ इसका इंफॉर्मेशन ये है तभी आप वो जो बात होती है वो जो चीज होती है उसको प्रॉपरली आप कर सकते हो। इसलिए इसका जो ये इंफॉर्मेशन है ये पहले आपको लर्न करना है कि सम कहाँ है खाली कहाँ है और कितने विभाग होते हैं। अगर ये आपको प्रॉपरली समझ में आता है तभी आप ये ताल प्रॉपरली आप करके दिखा सकते हो।
और बाद में इसमें आपको सिंगिंग भी करना होता है। इसलिए अभी इसकी जो इंफॉर्मेशन है ये इसको आपको प्रॉपरली लर्न करना है। देखो फिर से इस ताल, एक ताल इसके कितने विभाग है, सबसे पहले मात्रास कितने हैं, 12 मात्रास। फिर से एक बार इसकी इंफॉर्मेशन देखो, मात्रास ताल, एक ताल मात्रास 12 मतलब 12, विभाग 6, ताली 1, 5, 9, 11, 1, 5, 9, 11 एंड खाली 3rd and 7 बीट पे। ये प्रॉपरली लर्न करना है आपको, बार बार जब इसको आप दोहराते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी आपके ये प्रॉपरली समझ में आएगा। और देखो, बोल धिन धिन, जो फर्स्ट है वो मात्रा है, वो सम है, ये इसमें कितने खाली आते हैं, 2 खाली आते हैं, एक है 3rd बिट पे और 2nd जो है 7 बिट पे, तीसरे और 7 बिट पे, 7 मात्रा पे आते हैं, 2 खाली है इसमें। और ताली कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट बिट पे, फिर 5th पे, नेक्स्ट 9th और 4th 11। यहाँ पे मैंने इसके मात्रास दिए हैं। यहाँ पे विभाग होने के कारण आपको मात्रास यहाँ पे नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जो चिन्ह होते हैं, ये जो 2, 3, 4 ये विभाग के चिन्ह है। देखो हाँ, फर्स्ट जो होता है उसको सम बोलते हैं, इसको नंबर नहीं है। यहाँ पे ये खाली 2 है, इसको राउंड का चिन्ह है। बाद में जो ताली होते हैं उसको नंबर दिए हैं, 2, 3, 4, फर्स्ट 2, 3, 4, ये विभाग के है चिन्ह, ध्यान में रखना है। और जो मात्रास होते हैं वो देखो, ये मात्रास जो बोल होते हैं उसके मात्रास होते हैं, ये प्रॉपरली ध्यान देना है इस पर, तभी आप ताल एक ताल प्रॉपरली कर सकते हो, हाथ पे दिखा सकते हो। फिर से एक बार हम हाथ पे दिखाएंगे, रेडी, धिन धिन धागे तीरे की टटूना कत ता धागे तीरे की टधी ना, धिन धिन धागे तीरे की टटूना कत ता धागे तीरे की टधी ना। अब आपको भी करना है बोल के साथ, रेडी, धिन धिन धागे तीरे की टटूना कत ता धागे तीर की टधी ना। मुझे पता है जब भी हम कोई बात सीखते तो फास्टली सीखते, कभी भी फास्टली नहीं सीखना, क्योंकि जब भी नई बात, नई चीज हम सीखते हैं तो उसको स्टार्टिंग में स्लोली जब आप सीखोगे तभी वो आपको प्रॉपरली आएगा। इसलिए फास्ट ना, बिना बोले स्लो ही आपको करना है धीन, नहीं तो बाकी के कैसे कहते, धीन धीन धागे तिरकिट तू ना, इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्रॉपरली विभाग नहीं दिखते, प्रॉपरली बोले नहीं जाते। सबसे पहले इसकी स्लोली प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, इसलिए स्लोली प्रैक्टिस करो, बाद में आपको जैसे जिस स्पीड में करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बहुत स्लो, अति द्रुत, स्लो मतलब द्रुत, विलंबित स्पीड, स्लो स्पीड, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। रेडी, धीन धीन धागे तीरे की टतूना कत ता धागे तीरे की टधी ना। फिर से एक बार देखो, धिन धिन धागे तीर की टतूना कत ता धागे तीर की टधी ना। अब आई होप कि आपको ये वर्ड्स जो बोल है इसके ये प्रॉपरली समझ में आए होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको बंद करती हूँ और फिर मेरे साथ आपको हाथ पे ये ताल करना है बिना देखे। रेडी,
कैमरा मेरी तरफ। फिर से एक बार आपको करना है, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो बोल है इसको मैं बंद करती हूँ और आप बिना देखे आपको मेरे साथ ताल करना है। आर यू रेडी? वेरी गुड। 1 2 3 स्टार्ट। धीन धीन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। फिर से एक बार, धीन धीन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं बोल नहीं बोलूंगी, आपको ही करना है, सिर्फ मैं विभाग दिखाऊंगी। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। फिर से एक बार, वेरी गुड। मैं ये समझती हूँ कि आपको ये प्रॉपरली आया होगा, तो फिर से एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे। इसके इंफॉर्मेशन देखो फिर से, ताल एक ताल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड मेनी कॉम्पोजिशंस आर बेस्ड ऑन इट। द अब इसमें जो तिरकिट बोलते हैं, द तिरकिट इज प्लेड एज त्रक। जब भी आप तबले पे सुनते हो सुनोगे तो आपको जो तिरकिट ये वर्ड के जगह पे त्रक भी वहां पे बजाया जाता है, जो फास्ट लय में होता है। मतलब कि कैसे, दिन दिन धागे तिरकिट नहीं, धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। त्रक बोलते हैं, बजाया जाता है त्रक, तबले पे सुनाया देता है, लेकिन जब बोलते हैं तो तिरकिट भी बोलते हैं, त्रक भी बोलते हैं, दोनों सेम है। नेक्स्ट, फिर से एक बार इसकी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। देखो, ताल एक ताल, सम जो क्रॉस लाइन होते हैं उसको सम बोलते हैं, फर्स्ट मात्रा ताली 1 5 9 11 1 5 9 11 पर होते हैं, खाली 3 और 7, 2 खाली है इसमें। अब इसका जो सिमिलर होता है, सिमिलर मतलब जिसमें 12 मात्रा होते हैं, वो है चौताल, इसके जैसा ही सेम है, सिर्फ इसके बोल अलग है, दादरा और गरबा। रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, अब इसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे ये बजाया जाता है, तो तबला। रिलेटेड, अब ये कहाँ कहाँ पे, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ही बजाया जाता है। सो ताल एक ताल के बारे में आज आपने सीखा है। आपको क्या करना है, ताल एक ताल की प्रैक्टिस करनी है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको लिख के निकालना है और तभी आप प्रॉपरली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो होप, आई होप कि आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको ताल एक ताल से रिलेटेड जो राग दुर्गा हम सीख रहे हैं उसी में लक्षण गीत एक प्रकार है, टाइप है, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ताल एक ताल को समझना बहुत जरूरी है। इसी ताल एक ताल में जो गीत होता है, जो बंदिश होते हैं, कैसे बजाए जाते हैं, कैसे गाते जाते हैं, ये हमें सीखना है। लेकिन उससे पहले ताल एक ताल आना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम इसी ताल एक ताल को कंटिन्यू करेंगे। तो यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।